इश्क का रंग सफेद। उनको समझ में नहीं आता है कि थानी का हालत ऐसा कैसे। हाँ बोल दीपक, विप्र भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में है। वो मैं एक्चुअली दीदी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, उनका फोन नहीं लग रहा है, आप बता देंगे उनको? विप्लव का एक्सीडेंट? धानी जिस हालत में है ना उसको नहीं बताएगा। नहीं, अगर धानी को पता चल गया कि अपन ने उसको नहीं बताया तो वो अपन को कभी माफ नहीं करेगी। धानी, धानी दरवाजा खोलो। क्या हुआ प्रशा, सब कुछ ठीक तो है ना? इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? विप्लव को। क्या विप्लव को? वर्षा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ विप्लव को? विप्लव को विप्लव का एक्सीडेंट हो गया। अभी दीपक का फोन आया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तानी, भाई, हमारा बच्चा कहाँ पे? इमरजेंसी में दादा जी, सब तेरी वजह से हुआ है। बहुत शौक चढ़ा था ना मुंबई आने का, हाँ? आ गई, घूम ली। चल बता क्या हुआ, हाँ? कैसे एक्सीडेंट हुआ? यार ये फिर तुम्हारी कोई चाल है? याद रख, अगर विप्लव को कुछ भी हुआ ना, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, समझे कि समझाए? मगर मुझ की आंसू रो पंत की जैसा सुबह। आपको कब से विप्लव की फिक्र होने लगी? हाँ, चाल चलना मैंने आप ही से सीखा है, ये सब तो होता है आपके घर में। और आप लोग दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। ये मत भूलिए कि हमारा बच्चा अस्पताल में है। बाबूजी ये सब इसी की वजह से हुआ है, यही कारण है इस सब का। इसी की वजह से विप्लव विप्लव की जान खतरे में है। बहुत थकियाई थी ना शादी में जाने के लिए, हाँ? मरी जा रही थी शादी में जाने के लिए। अरे विप्लव तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मना कर रहा था वो, इसी ने जिद की थी मुंबई आने की। तब से ये सब चक्कर लगा हुआ है, बनारस से मुंबई, मुंबई से बनारस, है ना? इसी ने सब कुछ किया है। कान खोलकर सुन ले, विप्लव को कुछ भी हो गया ना, तुझे हम जान से मार डाले। बस चुप हो जाइए, मैं थानी नहीं हूं, मैं कामिनी हूं। हाँ तो थानी बन भी नहीं सकती, तेरी शकल पे मनुष्यत टपकती है रे। बस करो, तुम लोग लड़े जा रहे हो, आवाज नीचे, बात समझ रहे। हमारे विप्लव को किस बात की सजा दे रहे? सारे कम उसी की झोली में डाल दिए। धानी को जाकर 5 साल हो गए, लेकिन हमारा विप्लव अभी तक उस घर से बाहर नहीं निकल आया, उसे भूल नहीं पाया भगवान। उसकी खुशियां उसे वापस दे दो, उसकी जिंदगी उसे वापस दे दो। विप्लव कहाँ है? विप्लव त्रिपाठी, उनका एक्सीडेंट हुआ है। आपका? हम मिसेज दादी।
बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ चली गई थी? कौन थी बेटा तुम? तुम घर क्यों नहीं आई? कहाँ थी बताओ, आप कहाँ थी तुम बच्चे? दादी, हम आपको सब कुछ बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। मैं पता है कितना तुमको हम लोग याद कर रहे थे। दादी नहीं, बस दादी। क्या क्या बेटा? आपको अपने आप को संभालना होगा, आप ऐसे बिगड़ नहीं सकती। आपको अपनी पोती का ख्याल रखना है दादी, संभालिए अपने आप को। विप्लव कहाँ है? चलो उसे भी तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती, तुम हर बार अपने शोर के बटन कैसे तोड़ देते हो? सब क्या कहेंगे, पत्नी पति का ख्याल नहीं रखती? वहां दूर क्यों बैठ? क्योंकि हम तुमसे नाराज हैं। काहे हमें इतना तंग करते हो? प्लीज सर, हमारे पास आओ। हम नहीं आएंगे। पहले बताओ, काहे सबको इतना परेशान करते हो? अपनी मन की करते हो, किसी की बात नहीं सुनते। जानते हो विप्लव, सब कितना दुखी है। ये रंग तुम्हें बहुत जचता है, इसे पहना करो। तुमने अभी तक जूस नहीं पिया? विथ लव, जल्दी से जूस पी लो। बच्चों की तरह जिद मत करो विप्लव, इसे पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? क्या हालत बना दी अपनी। किसी और की गलती की सजा अपने आप को मत दो विप्लव। ये देखिए कौन आया। तुम अपने आप को हमारी बहू कहती हो ना, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतें कभी किसी की बहू नहीं बन सकती। बाजार में 10-10 रुपए में बिकती हैं, बिकती। बात समझ में आई? ऐसी बहू का स्वागत चावल और आरती की थाली से नहीं, जलते कोयले से होना चाहिए, जलते कोयले से। ये तो हमारी छोटी बहू है। हाँ, थाली है। सही सलामत है, जिंदा है हमारी धानी।
तानी कहाँ थी इतने दिन तुम? हाँ छोटी बहू कहाँ थी आप? दादी डॉक्टर ने क्या कहा? विप्लव कैसे हैं? वो तानी तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे फोन कर देती, मेरा नंबर तो वही है ना। हम विप्लव को देखने आए हैं, दो मिनट मिलकर चले जाएंगे। दानी हाँ तुम जरूर चले जाना, पर वो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, जब उन्हें होश आएंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। तुम अभी घर जाओ, हमें अभी उनसे मिलना है। दानी ये समझने की कोशिश करो, देखो हम में से कोई भी उनसे नहीं मिल पा रहे, परमिशन नहीं है। नानी मैं बोल रही हूँ ना, जैसे उन्हें होश आएगा मैं तुम्हें सामने से फोन करके बुला लूंगी। हाँ अभी तुम प्लीज घर जाओ। आप में से धानी कौन है? हम हैं। आपका नाम पेशेंट बार बार बुला रहे, आप अंदर उनसे मिल लीजिए। बाजी पलट गई, अब मजा आएगा। अब हम तुमसे प्यार नहीं करते। खबरदार जो इनको हाथ लगाया, ये हमारे पति हैं। अब हम सिर्फ वर्षा से प्यार करते। अब ठीक है, थैंक गॉड आपको होश आ। परेशान थे आपने, कितनी प्रार्थना की है मैंने, आप बहुत कमजोर लग रहे हो, आपने जूस पीजिए। तुम बाहर जाओ, हमें दानी से बात। आप कमजोर है विक्रम, चोट तो हमें लगी, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो कहा था कि हमारे सारे रिश्ते खत्म, फिर यहां क्यों आई? इतना तो जानने का हक है कि हमारी गलती क्या थी, या अचानक गायब हो जाती हूं, कोई फोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, फिर एक दिन अचानक हमारे सामने आ जाती, कहती हो कि सारे रिश्ते खत्म। हमसे क्या गलती हुई इतना भी नहीं बता सकती? दूर रही हमसे 5 साल, कोई सबक सिखाना चाहती थी। इतना मत बोलो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, इतनी बातें करोगे? मैं तुम्हारे फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जवाब की जरूरत है, नहीं तो सोच सोच के यूं ही मर जाएंगे। सबने कहा हमसे, हर रोज याद दिलाया हमें, विप्लव धानी मर चुकी है। हम नहीं माने, हमने तुम्हें जिंदा रखा हमारे दिल में, हमारी हर सांस में, हमारे हर ख्याल में। हमारा विश्वास कितना पक्का था ये तो तुम जान चुकी हो, आज तुम हमारे सामने खड़ी हो। तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि विप्लव तुम हमारे लिए मर चुकी हो। क्या सबक सिखाना चाहती थी हमें? देखो तुम समझदार लड़की हो, कुछ तो हुआ होगा,
के तुम वापस घर नहीं आई। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। विप्लव आप बार बार ये क्यों कह रहे कि आपने धानी से शादी करके गलती कर दी? हम चलते। ठीक है जाओ जाओ तुम, लेकिन हमारी बच्ची को हम हमारे साथ लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि पिता हमारी बेटी। जेठा, सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। तो फिर उसका नाम विदा क्यों रखा? विप्लव और धानी की विदा। नहीं, वो आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है वो। क्या क्या सच छुपाओगी धानी? हम भी देखते हैं। हमें हमारी बेटी से कौन अलग रख सकता है? क्या चाहिए? मैं तो बस ये देखने के लिए आई थी कि आप ठीक है कि नहीं। I'm sorry। तुम रुको, हम निकलते। हम सिर्फ देखने आए थे ये ठीक है या नहीं। दिनों से कहाँ थे? पता है, हम सब कितने परेशान थे। तुम जाने दो इसे। क्या हुआ धानी? अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे बाद में मिलते हैं। मित्र, क्या कहा उसने? धानी, अरे हमारे हमारे पैर तो छुए ही नहीं, ये ऐसी कैसी हो गई है? इतनी बदल गई है? इतनी भी क्या कर, आंखें देखी उसकी, ऐसा लग रहा था जैसे काट खाए। वक्त सब कुछ बदल देता है। जब वो तुम्हारे पैर छूती थी, तुमने कभी उसे आशीष नहीं, और आज तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पैर छुए, तुमसे बात करे। मैं बनारस जाना है, जल्द से जल्द। हाँ विप्लव, मुझे भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें बनारस वापस चलना चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। आप ये जूस, ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं टिकट बुक करके आती हूँ। बहुत तड़प लिया हमने धानी, अब तुम्हारी बारी। विदा को तो हम साथ लेकर ही जाएंगे। 5 साल तक तड़पते रहे धानी, अब और नहीं।